सातवां क्रांतिकारी आंदोलन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 36। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए अथवा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं। उत्तर, क्रांति का अभिप्राय बम और विस्फोट मात्र ही नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय यह है कि आज की वस्तु स्थिति और समाज व्यवस्था जो स्पष्ट रूप से अन्याय पर टिकी हुई है को बदला जाए। क्रांति व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को शोषण को समाप्त करने और हमारे राष्ट्र के लिए पूर्ण आत्मनिर्माण का अधिकार प्राप्त करने हेतु है। क्रांति के हमारे विचार का अंतिम लक्ष्य यही है। यह शब्द सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के थे। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय जागृति की जो लहर आई वह अनेक धाराओं में बटी हुई है थी। सर्वाधिक कमजोर धारा में ने मात्र विनयपूर्ण निवेदन का मार्ग अपनाया था और अपेक्षाकृत शक्तिशाली धारा ने अहिंसक संघर्ष का मार्ग, लेकिन नवयुवकों का एक वर्ग ऐसा भी था जिन्होंने अहिंसक संघर्ष की सामर्थ्य में विश्वास नहीं किया। राष्ट्रीय आंदोलन की यह धारा ही क्रांतिकारी आंदोलन था। जैसे जैसे सरकार दमनात्मक नीति अपनाती, इन क्रांतिकारियों की हिंसा में आस्था दृढ़ होती जाती थी। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण, वे सब कारण जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया, उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के उदय में भाग भी लिया था, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विशेष कारण भी थे जिनसे भारत के क्रांतिकारियों ने शांतिपूर्ण निवेदन था या अहिंसक आंदोलन का मार्ग न अपनाकर क्रांति और अहिंसा की अपेक्षाकृत दुर्गम मार्ग चुना। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के विषय के कारण इस प्रकार हैं। पहला, अधिकांश क्रांतिकारी विद्वान और चिंतनशील व्यक्ति थे और विश्व इतिहास के अध्ययन से उनकी यह निश्चित धारणा बन गई थी कि मानवीय इतिहास में किसी भी देश को याचना करने से या केवल अहिंसात्मक आंदोलन से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है। अतः उनके द्वारा विदेशी शासन पर सुनियोजित सशस्त्र प्रहार का मार्ग अपनाया गया। दूसरा, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के समय ही उसकी नीति अनुनय विनय और प्रार्थना पात्रों की थी, लेकिन इन नीति के परिणाम क्या निकले? राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाए गए मार्ग की लगभग निरंतर असफलता से क्रांतिकारियों की यह गृहणा पुष्ट हुई कि स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग रिक्ततम क्रांति से ही गुजरता है। तीसरा, क्रांतिकारी आंदोलन ब्रिटिश सरकार की दमन नीति का स्वाभाविक परिणाम भी था। विभिन्न दमनकारी कानूनों और कार्यों के कारण स्वतंत्रता का नाम लेना भी अपराध हो गया था और सरकार जनता को आतंकित करने पर तुली थी। अतः
सरकार जनता को आतंकित करने पर तुली हुई थी। इस स्थिति के बाध्य होकर ही इन देशभक्तों ने गुप्त और हिंसक गतिविधियों का मार्ग क्रांतिकारी आंदोलन अपनाया था। 1905 ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगला का विभाजन किया, तब इसके परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसकी एक धारा क्रांतिकारी आंदोलन थी। 20वीं सदी के क्रांतिकारी आंदोलन का अध्याय उसे निम्नलिखित प्रकार से तीन कालों में बांटकर किया जा सकता है। प्रथम काल 1906 से 1914 के काल में क्रांतिकारी कार्य। इस काल में क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रबल रूप बंगाल में देखा जा सकता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास में भी क्रांतिकारी कार्य हुए और भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विदेशों में भी क्रांतिकारी कार्य किए गए। इस काल के प्रमुख क्रांतिकारियों में वारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सावरकर बंधु, लाला हरदयाल, मैडम कामा और मदन लाल घिंगड़ा आदि का नाम लिया जा सकता है। इस काल के क्रांतिकारियों के कार्यों का अध्ययन इस प्रकार है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में सरकार का दमनात्मक नीति से क्रांतिकारियों की गतिविधियां बढ़ने लगी। उन्होंने पाश्चात्य देशों के आधार पर अपने देश में गुप्त संगठन बनाने प्रारंभ कर दिए। बंगाल में 1907 से ही वातावरण आतंकपूर्ण हो गया और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 6 दिसंबर 1907 को मदीनापुर के निकट उप गवर्नर की रेलगाड़ी को बम से उड़ा देने का प्रयत्न किया गया। इसी वर्ष 23 दिसंबर को जिला मजिस्ट्रेट ढाका को गोली से उड़ा देने का प्रयत्न किया गया। क्रांतिकारियों ने इसके बाद मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयत्न किया, परंतु किंग्सफोर्ड के स्थान पर कुछ अंग्रेज महिलाएं मारी गईं। क्रांतिकारियों की खोज हुई और इस संबंध में खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद एक और घटना घटी और अलीपुर केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड में 39 क्रांतिकारी पकड़े गए, जिनमें अरविंद घोष भी थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से भी पहले महाराष्ट्र में प्रारंभ हो गया था। यहाँ इसके प्रमुख नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा, सावरकर बंधु, उनका कथन था कि प्राण देने से पूर्व प्राण ले लो। ऐसा कहा जाता है कि रेन की हत्या में श्यामजी कृष्ण वर्मा का हाथ था। वे इस हत्या के पश्चात लंदन चले गए। सावरकर बंदियों ने 1900 ईस्वी में एक देशभक्त संगठन मित्र मेला की स्थापना की थी। 1904 में यह एक क्रांतिकारी संगठन हो गया और इसका नाम अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत की शाखाएं पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई थी।
1906 में विनायक दामोदर सावरकर लंदन चले गए तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा का हार बटाने लगे। वे दोनों लंदन से अपने संदेश तथा साहित्य गणेश सावरकर को भेजा करते थे तथा 1909 में उन्होंने गणेश सावरकर को पिस्तौलों का एक पार्सल भेजा, परंतु इसके पूर्व ही 2 मार्च 1909 ईस्वी को गणेश सावरकर को सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया था। मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा इस अभियोग का निर्णय करते हुए 9 जून को उन्हें आजीवन देश निर्वासन का दंड दे दिया गया। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन 1907 में सरकार अजीत सिंह गोखले भाई परमानंद तथा लाला हरदयलाल ने क्रांतिकारियों का संगठन किया। सरकार अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद ने मिलकर भारत माता सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। संयुक्त प्रांत और दिल्ली में भी क्रांतिकारी संगठन उभरने लगे थे। इन क्षेत्रों में क्रांतिकारियों को संगठित करने का कार्य राज बिहारी बोस ने किया। इस कार्य में उनके सहायक थे सचिंद्र सान्याल, लाला हनुमंत सहाय, मास्टर अमीर चंद्र। इन क्रांतिकारियों ने योजना बनाकर दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डलिस पर बम फेंका था, जिससे वे बेहोश हो गए किंतु बच गए। राजस्थान में क्रांति की दिशा में पहल अर्जुनलाल सेठी, बारहट केसरी सिंह और उनके पुत्र प्रताप सिंह और खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह ने की। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य। क्रांतिकारियों के कार्य केवल भारत तक ही सीमित न रहे, वरन भारतीय क्रांतिकारी देश की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में भी सक्रिय रहे। विदेशों में इसकी मुख्य शाखाएं लंदन, पेरिस तथा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क नगर में थी। विदेशों ने क्रांतिकारी कार्य करने वाले भारतीयों में प्रमुख थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयलाल, मैडम कामा, सरदार सिंह राणा, सेनापति वापट, भाई परमानंद, रविशंकर शुक्ल, सिकंदर हयात खां, हेमचंद्र वर्मा, राजा महेंद्र प्रताप और चंपाकरण पिल्लई आदि। द्वितीय काल 1919 से 1932 के काल में क्रांतिकारी कार्य। 1919 में जब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया तो क्रांतिकारियों द्वारा भी इस आंदोलन के परिणामों की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा की जाने लगी। लेकिन जब इस आंदोलन को अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो क्रांतिकारियों के द्वारा अपने कार्य प्रारंभ कर दिए गए। काकोरी केस फरवरी 1920 में जेल में रिहा होने के बाद सचिंद्र
सान्याल के द्वारा भारतवर्ष के सारे क्रांतिकारी दलों को संगठित करके हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की गई। इन क्रांतिकारी दल के द्वारा देश के सशस्त्र क्रांति करने के लिए बड़ी मात्रा में शस्त्र खरीदे गए और इन शस्त्रों की कीमत चुकाने के लिए यह सोचा गया कि जब गाड़ी लखनऊ के निकट काकोरी पहुंचे तो सरकारी खजानों को लूट लिया जाए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी के निकट गाड़ी रोककर क्रांतिकारियों के द्वारा खजाना लूट लिया गया, लेकिन पुलिस और गुप्तचर विभाग ने दिन रात एक करके 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर मुकदमा चलाया गया, इसे ही काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है और इसके नायक थे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। इस केस में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशकाफ उल्लास को फांसी, सचिंद्र नाथ सैसार व सचिंद्र बख्शी को आजन्म कारावास, मनमथांत गुप्त को 14 वर्ष की कैद व अन्य को कई वर्ष की सजाएं दी गई। सरदार भगत सिंह और बमकांड। इसके बाद सरकार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर व राजगुरु आदि द्वारा क्रांतिकारी दल का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी तथा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना रख दिया गया। 10 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो जुलूस निकाला गया, इसका नेतृत्व बदोबद नेता और शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था। अंग्रेज पुलिस कप्तान सैंडर्स ने सैंडर्स के द्वारा लालाजी पर ऐसी भीषण लाठी वर्षा की गई कि उसके परिणाम स्वरूप लालाजी की मृत्यु हो गई। लालाजी की यह मृत्यु भारत के लिए एक राष्ट्रीय अपमान था और क्रांतिकारी द्वारा इसका बदला लेना निश्चित किया गया। 17 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारियों द्वारा गोली मारकर सैंडर्स की हत्या कर दी गई। इस प्रकार राष्ट्रीय अपमान का बदला ले लिया गया। 8 अप्रैल 1929 को जब पब्लिक सेफ्टी बिल 8 अप्रैल 1929 को जब पब्लिक सेफ्टी बिल पर मत पड़ने वाले थे, सरकार भगत सिंह ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह और दत्त ने एक साथ जोर से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, समाजवाद का नाश हो। बम के साथ फेंके गए पर्चे में लिखा हुआ है था, बहरों को सुनने के लिए बम की आवश्यकता है। बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं, वरन देश में जागृति पैदा करना ही था। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, शिवराज, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई और उनकी लाशों को चुपके से रात्रि के समय फिरोजपुर में जला दिया गया। इनके बलिदान के बाद चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन और यशपाल क्रांतिकारी कार्यों में संलग्न थे।
लेकिन 27 फरवरी 1931 को आजाद पुलिस की गोली से वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन का यह दूसरा दौर थम गया। तीसरा काल 1939 से 1946 के काल में क्रांतिकारी कार्य। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय योद्धा श्री सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा गठित आजाद हिंद सेना के कार्यों का उल्लेख किए बिना भारतीय स्वतंत्रता की कहानी अधूरी ही रह जाती है। राज बिहारी बोस ने जापान में मार्च 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा आजाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। इस फौज में 50,000 भारतीय सिपाही भर्ती हो गए। गठन के समय ही यह प्रस्ताव पास किया गया था कि आजाद हिंद फौज भारत की स्वतंत्रता के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग में न ली जाए। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष ने आजाद हिंद सेना के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। जापान और जर्मनी में अनेक सहयोगी देश ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता भी दे दी। 30 दिसंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप का नामकरण क्रमशः शहद द्वीप और स्वराज्य द्वीप करते हुए उन पर भारतीय ध्वज फहरा दिया गया। नेताजी के नेतृत्व में विभिन्न मोर्चों पर विजय प्राप्त करते हुए यह सेना मार्च 1944 में इम्फाल तक पहुंच गई। लेकिन इसके बाद सभी ओर से परिस्थितियों के विपरीत हो जाने के कारण आजाद हिंद सेना को पीछे हटना पड़ा और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। सुभाष चंद्र देश की स्वतंत्रता को प्राप्त न कर सके हों, लेकिन उन्होंने देश को स्वतंत्रता के बहुत निकट पहुंचा दिया। भारतीय सेना में राजभक्ति के स्थान पर देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रवेश उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था। प्रश्न क्रमांक 37, क्रांतिकारी आंदोलन का महत्व बतलाइए अथवा क्रांतिकारी आंदोलन के महत्व तथा असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर, क्रांतिकारियों ने भारतवासियों को अपूर्व राष्ट्रीय चेतना प्रदान की, लेकिन वे अपने मूल लक्ष्य को तत्काल ही प्राप्त करने में असफल रहे। क्रांतिकारी आंदोलन की इस आंशिक असफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, केंद्रीय संगठन का अभाव। क्रांतिकारी आंदोलन की सफलता का एक बड़ा कारण यह था कि इनका कोई केंद्रीय संगठन न था। इस कारण विभिन्न प्रांतों के क्रांतिकारी नेताओं में पारस्परिक सहयोग और संबंधों का अभाव रहा और वे संगठित रूप में कार्य न कर सके। छुटपुट क्रांतिकारी घटनाएं से ब्रिटिश शासन का अंत संभव नहीं था। दूसरा, आंदोलन का नवयुवकों तक सीमित होना। क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता का एक कारण इस आंदोलन का मध्यम वर्ग के शिक्षित नवयुवकों तक ही सीमित होना था।
इस आंदोलन में कार्य करने वाले नवयुवकों का जनता पर विशेष प्रभाव नहीं था और वे साधारण जनता से सहयोग तथा समर्थन प्राप्त नहीं कर सके। तीसरा, उच्च मध्यम वर्ग भी सहानुभूति का अभाव। क्रांतिकारी आंदोलन को उच्च मध्यम वर्ग के व्यक्तियों और राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य संचालकों की सहानुभूति भी प्राप्त नहीं थी। उच्च वर्ग के यह नेता क्रांतिकारी कार्यों को घृणा की दृष्टि से देखते थे और स्वराज प्राप्त करने के लिए वैधानिक उपायों में विश्वास करते थे। चौथा, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति। क्रांतिकारी आंदोलन इस कारण भी असफल रहा कि ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के प्रति अत्यंत कठोर नीति का अवलंबन किया। उसने 1907 में सभाएं करने पर प्रतिबंध लगा दिया और 1908 में विद्रोही सभा अधिनियम भी पास कर दिया, जिसका उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। 1908 में फौजदारी कानून को और कड़ा बनाकर अधिकारियों को उसे सख्ती से प्रयोग करने की आज्ञा दी गई। क्रांतिकारियों पर अभियोग चलाते हुए ऐसी जूरी की व्यवस्था की जाती जिसमें यूरोपियन बहुमत में होते और मामूली अपराधों के लिए भारतीयों को मृत्युदंड, काला पानी, देश निर्वासन या लंबी कठोर कैद की सजाएं दी जाती। जरा सी शंका होने पर लोगों को बंदी बनाकर उन्हें सजा दे दी जाती। इस प्रकार सरकार ने जनता में ऐसा आतंक स्थापित कर दिया कि लोग भयभीत होकर क्रांतिकारियों से दूर भागने लगे। पांचवा, अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति में विशेष कठिनाई। क्रांतिकारी आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह और साहस था और वे हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान करने को उद्यत थे, लेकिन उनके पास साधनों का नितांत अभाव था। उन्हें अस्त्र शास्त्रों की प्राप्ति में बहुत अधिक कठिनाई पड़ती थी और उन्हें गुप्त रूप से कार्य करना पड़ता था। सरकार उनके प्रति सदैव सचेत रहती थी। वे सरकार की आंखों में अधिक समय तक धूल झोंकने में सफल नहीं हो सकते थे। छठा, क्रांतिकारियों के प्रति कांग्रेस की उदासीनता। 1885 में ही भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस की उदारवादिता के कारण क्रांतिकारियों को इस संस्था की सहानुभूति प्राप्त होना तो दूर रहा, उन्हें इस संस्था से आलोचना और विरोध ही प्राप्त हुआ। क्रांतिकारियों को जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन द्वारा कठोर दमनात्मक नीति अपनाई जा रही थी। सातवा, महात्मा गांधी का अपूर्व सत्याग्रह आंदोलन। उपयुक्त बाधाओं के होते हुए भी यदि भारतीय जनता को मुक्ति के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता तो जनता का झुकाव कालांतर में क्रांतिकारी आंदोलन की ओर हो सकता था, लेकिन महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश का सत्याग्रह के रूप में जनता के सम्मुख क्रांतिकारी आंदोलन का विकल्प प्रस्तुत किया, जो भारतीय जनता के अधिकाधिक लोकप्रिय होता था। यह हिंसात्मक क्रांतिकारी आंदोलन के लिए
घातक सिद्ध हुई और अंततः वह समाप्त हो गया। इन सभी कारणों से क्रांतिकारी आंदोलन तत्काल ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा। इस प्रसंग में सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन की विफलता का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की दमन नीति थी। इसके साथ ही यह कारण भी असफल रहा कि हिंसा का विचार हिंदुओं की प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। क्रांतिकारी आंदोलन का महत्व। क्रांतिकारी तत्काल ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति में भले ही असफल हो रहे हों, क्रांतिकारी आंदोलन ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता में अपूर्व योग दिया। वास्तविकता यह है कि जहां गांधी और कांग्रेस ने अपने ढंग से स्वतंत्रता संघर्ष और जनता में जागृति फैलाने का कार्य किया, वहीं क्रांतिकारियों ने अपने ढंग से यह कार्य किया। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में कांग्रेस के अहिंसात्मक आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन ने एक दूसरे के पूरक का कार्य किया। सामान्य जनता को देश प्रेम और निष्ठा, बलिदान और त्याग का पाठ उपदेश देकर नहीं वरन उदाहरण प्रस्तुत करके ही पढ़ाया जा सकता था। क्रांतिकारियों ने ऐसा ही किया था और परिणामतः सामान्य जनता इन क्रांतिकारियों से बहुत अधिक प्रभावित थी। जनता द्वारा निजी और सार्वजनिक रूप से उन्हें दी गई श्रद्धांजलि से ही स्पष्ट था। खुदीराम की मृत्यु का शोक बंगाल के हर घर में मनाया गया था और कन्हाई लाल का शव जलीपुर जेल के बाहर निकाला गया तो हजारों व्यक्ति शव यात्रा में शामिल हुए और महिलाओं ने शव पर पुष्प और अभिनत्रित धन बरसाया। भगत सिंह और उनके साथियों को दी गई फांसी में लाखों आंखें रोई थी और हजारों परिवारों में चूल्हा नहीं जलाए गए थे। बिना किसी औपचारिक घोषणा के ही राष्ट्रीय शोक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी प्रकार आजाद हिंद सेना के कार्यों और लाखों लोगों के हृदय सम्राट नेताजी ने दिल्ली चलो के नारे ने जनता को अपूर्व जागृति प्रदान की थी। आज देश की स्वतंत्रता पर कोई संकट आ खड़ा हो तो नेताजी का नाम मरघट में जीवन फूंक देता था। इन सब के अतिरिक्त यह तथ्य है कि जिस अंतिम घटना ने ब्रिटेन को भारतीय स्वतंत्रता के लिए बाध्य किया था वह था फरवरी 1946 का नौसैनिक विद्रोह। क्रांतिकारियों के हंसते हंसते बलि वेदी पर चढ़ जाने की घटनाओं को भुलाया नहीं जा सकता था और इन घटनाओं ने भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वस्तुतः क्रांतिकारी आंदोलन ने समूचे राष्ट्र को झकझोर दिया। क्रांतिकारियों का विश्वास था खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है और क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य देश की करोड़ों जनता में देश प्रेम को जागृत कर उसमें देश की स्वाधीनता के लिए तीव्र इच्छा और अपना सब कुछ निछावर करने की भावना उत्पन्न करना तथा जनता के मन मस्तिष्क में ब्रिटिश
शासन की शक्ति के प्रति व्याप्त भय की भावना को समाप्त करना था। और यह तथ्य है कि क्रांतिकारियों ने जनता के समक्ष अपना उदाहरण प्रस्तुत कर कुछ करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने स्वाधीनता के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार किया। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा एक और प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति में योग दिया गया। ब्रिटिश सत्ता क्रांतिकारियों से बहुत घबराती थी और वह नहीं चाहती थी कि अधिक लोग इसमें जाएं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की कुछ राजनीतिक मांगे केवल इस कारण मानी थी कि जनता क्रांतिकारी आंदोलन को न अपनाए। इन सब के अतिरिक्त यह तो एक तथ्य है कि क्रांतिकारियों का मार्ग अहिंसात्मक आंदोलनकारियों की तुलना में बहुत कठिन था और उनके द्वारा जिन कठिन परिस्थितियों में और जिस देशभक्ति तथा साहस की भावना के साथ कार्य किया गया उसके उदाहरण विश्व के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। वस्तुतः भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में क्रांतिकारी आंदोलन का विशिष्ट और महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज़ादी के इन दीवानों की गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने योग्य है। प्रश्न क्रमांक 38, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद। उत्तर, पहला, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल के पूर्वज पुराने ग्वालियर राज्य के चंबल के किनारे स्थित एक गांव में रहने वाले थे। बिस्मिल के पितामह श्री नारायण लाल गृह कलह के कारण अपना गांव छोड़कर शाहजहांपुर चले गए। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री मुरलीधर थे, जिनकी दूसरी संतान राम प्रसाद बिस्मिल थे। बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में 1896 ईस्वी में हुआ। बिस्मिल सनातनी ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे, किंतु आगे चलकर वे आर्य समाजी बन गए। आर्य समाज की विचारधारा का उनके चरित्र तथा विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने आर्य कुमार सभा में उत्साहपूर्ण काम किया। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अवसर पर लोकमान्य तिलक ने पुनः कांग्रेस में प्रवेश किया। बिस्मिल उस अधिवेशन को देखने गए और तिलक के स्वागत समारोह में उत्साहपूर्ण भाग लिया। वहीं उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। उसी अवसर पर उनका संपर्क क्रांतिकारियों की एक गुप्त समिति से हुआ और वे उसके सदस्य बन गए। अपने प्रारंभिक क्रांतिकारी जीवन में बिस्मिल को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो लोग उन्हें मिले वे विश्वसनीय नहीं थे। कुछ तो राजनीतिक डकैतियों के बहाने धन कमाने के लिए उनके गुट में सम्मिलित हो गए थे। जब उनके अध्यक्ष उद्देश्य पूरे नहीं हुए तो उन्होंने बिस्मिल को मारने का प्रयत्न किया, उन पर गोलियां चलाई, किंतु वे बार बार बच गए। 1924 ईस्वी में कानपुर में क्रांतिकारियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। उस सम्मेलन में बिस्मिल भी उपस्थित थे।
सम्मेलन में संगठनकर्ता सचिंद्र सायंकाल थे। बिस्मिल को एसोसिएशन की सैनिक शाखा का प्रभारी नियुक्त किया गया। सम्मेलन के बाद संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन उन्हीं के नेतृत्व में किया गया। धन एकत्र करने के लिए कुछ डकैतियां भी डाली गई। एक डकैती में क्रांतिकारियों के गांव वाले से मुठभेद हो गई, जिसमें दो गांव वाले मर गए। इस घटना में बिस्मिल के विचारों के परिवर्तन हुए। 7 अगस्त 1925 ईस्वी को शाहजहांपुर में क्रांतिकारियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें बिस्मिल ने कहा कि धन प्राप्त करने के लिए डाका डालने से हमें उपलब्धि तो कुछ खास नहीं होती है, उल्टे हम डाकुओं की श्रेणी में गिने जाते हैं और अपने भाइयों के खून से हमें अपने हाथ रंगने पड़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने प्रस्ताव का समर्थन किया और सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। यह स्मरणीय है कि इससे पहले अशफाकउल्लाह बिस्मिल के क्रांति दल में शामिल हो गए। पहले तो बिस्मिल ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा, किंतु अंत में उन्हें विश्वास हो गया कि अशफाक को उन्होंने अपने दल में सम्मिलित कर लिया। देशभक्ति ने एक आर्य समाजी और एक मुसलमान को एक ही रास्ते का पथिक बना दिया। उक्त प्रस्ताव के अनुसार ट्रेन डकैती की योजना बनाई गई और 9 अगस्त 1925 ईस्वी की तिथि इस काम के लिए निश्चित की गई और 2 दिन में उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई। लखनऊ के निकट काकोरी स्टेशन के पास गाड़ी को रोककर किस प्रकार रेल का खजाना लूटा गया, इसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। डकैती की घटना के बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी आदि शहरों में धकाधड़ गिरफ्तारियां हुई। काकोरी कांड का एक क्रांतिकारी बनवारी लाल भी गिरफ्तार हो गया। उसने दल के उन सभी लोगों के नाम बता दिए जो इस कांड में सम्मिलित हुए थे। रामप्रसाद बिस्मिल निर्भीक होकर शाहजहांपुर में ही बने रहे। उनका विचार था कि यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो भी उनके विरुद्ध कोई परिणाम नहीं मिलेगा। उन्हें पता नहीं था कि पुलिस को पूरे रहस्य का पता चल गया है। अंत में एक दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में से कुछ को छोड़ दिया गया। केवल 25 लोगों पर काकोरी षड्यंत्र केस चलाया गया। मुकदमा 18 महीने चला। 6 अप्रैल 1927 ईस्वी को फैसला सुनाया गया। 19 दिसंबर को बिस्मिल के माता पिता उनके गोरखपुर जेल में अंतिम बार मिले। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में हुआ। कुछ बड़े होने पर वे संस्कृत पढ़ने के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ वाराणसी चले
गए। उन्हीं दिनों असहयोग आंदोलन चल रहा था। चंद्रशेखर भी विदेशी माल की एक दुकान पर धरना देते हुए गिरफ्तार हो गए। उन्हें एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। उनके तथा उस मजिस्ट्रेट के बीच जो प्रश्नोत्तर हुए वह इस प्रकार थे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आज़ाद है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। तुम्हारे घर कहाँ है? मेरा घर जेल में है। चंद्रशेखर के उत्तरों से मजिस्ट्रेट चिढ़ गया और उसने उन्हें 15 बेंतों की सजा सुना दी। उस समय चंद्रशेखर की आयु 14 वर्ष थी। उनको बेंत लगाई गई। वे प्रत्येक बेंत के साथ महात्मा गांधी की जय या भारत माता की जय बोलते रहे। तभी से चंद्रशेखर आज़ाद कहलाने लगे। धीरे धीरे उनका क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ और वे बिस्मिल के गुट में सम्मिलित हो गए। आज़ाद ने काकोरी ट्रेन डकैती में भाग लिया। उस कांड के सभी क्रांतिकारी एक एक करके पकड़ लिए गए, किंतु आज़ाद कभी पुलिस के हाथ नहीं लगे। वे छिपकर झांसी चले गए और वहीं रहने लगे। वहां उन्हें कई अन्य क्रांतिकारी मिल गए। झांसी में जब पुलिस की सरगमरियां बढ़ी तो आज़ाद ओरछा राज्य में साता नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर ब्रह्मचारी के रूप में वहां रहने लगे। 1924 ईस्वी में जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई तो आज़ाद को उसका महासेनापति बनाया गया। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम का धमाका किया। लाहौर षड्यंत्र केस ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को भारी आघात पहुंचाया। उसके नेताओं में से केवल आज़ाद बच रहे थे। उन्होंने एसोसिएशन को नए सिरे से संगठित किया। उन्हीं की योजना अनुसार दिसंबर 1929 ईस्वी में वायसराय की स्पेशल गाड़ी के नीचे बम का विस्फोट किया गया। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। जमकर युद्ध हुआ। आज़ाद का शरीर पुलिस की गोलियों से छलनी हो गया। जब उनके पास केवल एक कारसूत शेष रह गया तो उन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली। आज़ाद की निर्भीकता और कार्यकुशलता अद्वितीय थी। उनमें अतुल शारीरिक बल था। भारतीय क्रांति के इतिहास में उनका नाम सदैव अमर रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 39। क्रांतिकारी आंदोलन के असफलता के क्या कारण थे? उत्तर। प्रश्न 37 का उत्तर देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखें। पहला, मित्र मेरा नामक संस्था की स्थापना किसने की? अ खुदीराम बोस, ब अरविंद घोष, स विनायक दामोदर साविकार, द श्याम माझी कृष्ण वर्मा। और इसका सही उत्तर है स विनायक दामोदर सावरकर। दूसरा, अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? अ प्रमोद मित्र, ब अरविंद घोष, स
वरिंद्र कुमार घोष द भूपेंद्र नाथ दत्त, और इसका सही उत्तर है अ प्रमोद मित्र। तीसरा प्रश्न, होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? अ विनायक दामोदर सावरकर, ब श्यामाजी कृष्ण वर्मा, स अरविंद घोष, द पी एन खनखोजी। और इसका सही उत्तर है ब श्यामजी कृष्ण वर्मा। चौथा प्रश्न, अभिनव भारत की स्थापना किसने की? अ विनायक दामोदर सावरकर, ब श्यामजी कृष्ण वर्मा, स मदनलाल थिंगरा, द लाला हरदलाल। और इसका सही उत्तर है अ विनायक दामोदर सावरकर। पांचवा प्रश्न, काकोरी कांड में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? अ रामप्रसाद बिस्मिल, ब रोशन सिंह, स अशफाक उल्ला खां, द खुदीराम बोस। इसका सही उत्तर है द खुदीराम बोस। प्रश्न छठा, सैंडर्स की हत्या में निम्न में से कौन सम्मिलित था? अ राजगुरु, ब चंद्रशेखर आजाद, स अशफाक उल्ला खां, द राजेंद्र लाहड़ी। इसका सही उत्तर है अ राजगुरु। सातवां प्रश्न, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? अ 23 मार्च 1930 को, ब 23 मार्च 1931 को, स 20 अगस्त 1932 को, द 10 सितंबर 1933 को। और सही उत्तर है ब 23 मार्च 1931।